विधानसभा 2023 की हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। जिला कलेक्टर ने धारा 144 की लागू। मतदान दिवस के दिन मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम, मतदान केंद्रों की विद्युत व्यवस्था, वेबकास्टिंग हेतु लगाए कैमरा तथा अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ पर होगी कानूनी कार्रवाई। उल्लंघन करने पर धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत होगी कठोर कार्रवाई। जिला कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निर्भीक व निष्पक्ष संपादन कराए जाने व कानून व्यवस्था की दृष्टि से मतदान दिवस के दिन मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम, जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट आदि से छेड़छाड़ तथा मतदान केंद्रों की विद्युत व्यवस्था, वेबकास्टिंग हेतु लगाए गए कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ एवं वीडियोग्राफी में बाधा उत्पन्न करने को रोकने आदि के संबंध में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने भिंड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति समूह मतदान केंद्रों पर 5 से अधिक व्यक्ति का जमावड़ा नहीं करेगा, ना ही अनाधिकृत रूप से मतदान केंद्रों पर प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति, दल, समूह मतदान केंद्रों पर मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम, जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट आदि से छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना ही छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, दल, समूह मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र के भीतर पीठासीन अधिकारी के दिशा निर्देशों की कोई अवहेलना नहीं करेगा, ना ही अवहेलना करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, दल, समूह मतदान केंद्रों पर की जा रही वीडियोग्राफी में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही व्यवधान डालने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, दल, समूह मतदान केंद्रों की विद्युत व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, ना ही व्यवधान डालने का प्रयास करेगा और ना ही किसी को इस संबंध में प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, दल, समूह मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हेतु लगाए गए कैमरों तथा अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना ही छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा और ना ही किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में प्रेरित करेगा। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में लगे सुरक्षा एवं निर्वाचन व्यवस्था आदि के लिए कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा वरिष्ठ व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाई पुलिस एवं अन्य शासकीय बल, निर्वाचन कार्य में लगे अनाधिकृत कर्मचारीगण पर प्रभावशील नहीं होगा, अधिकारीगणों पर कर्मचारीगणों पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 16 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वोटर आईडी के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर किया जा सकेगा मतदान। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में कोई भी एक दिखा कर मतदान कर सकता है। 17 नवंबर मतदान दिवस को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सभी केंद्रों पर 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान शुरू होने के 1.5 घंटे पहले प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी और उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी। उल्लेखनीय है कि यदि कोई अभ्यर्थी, उसका एजेंट मतदान दिवस को सुबह 5:30 बजे मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। न्यूनतम 50 वोट को मॉक पोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीपीपीएटी कंपार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी के टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखा जाएगा। मतदान को निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतंत्र बनाने के लिए मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। मिलावट करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर भिंड की बड़ी कार्रवाई। 4 मिलावट करने वाले आर्तन अपराधियों को किया गया जिला बदर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कठोर कदम उठाते हुए दूध, घी और नकली दूध बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को जिला बदर किया है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में कहीं भी कोई भी मिलावटी सामान नहीं बिकना चाहिए। इसके लिए जो भी कठोर कदम उठा रहे होंगे वो उठाए जाएंगे। आम जनता का और माताओं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए
जरूरी है कि मिलावटी और नकली दूध मार्केट में ना बेचा जाए। वर्तमान में 4 लोग ऐसे मिले जो अर्थनैतिक रूप से मिलावट करते हैं, यह लोग की जान से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जिला बदर किया गया है। कलेक्टर ने मिलावट करने वाले आरोपी अवधेश शर्मा उर्फ कल्लू पुत्र रामदयाल शर्मा आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम चंदोकर थाना एंडौरी को 15 दिवस, अयूब खान पुत्र अंसार खान आयु 24 साल निवासी रतवा रोड हरदयालपुरी मोह भिंड को 7 दिवस, कुलदीप सिंह गुर्जर उर्फ खल्ली पुत्र से जंडल सिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष फर्म डॉक्टर हनुमान डेयरी दंदरौगा तहसील महगांव को 7 दिवस, दिनेश कुमार राठौर पुत्र से नन्हे राम राठौर उम्र 56 वर्ष निवासी गैली थाना अमायन को 7 दिवस के लिए जिला बदर करने के नोटिस जारी किए। चारों आरोपियों को दूध में मिलावट करने, नकली दूध बनाने, नकली सामग्री बिक्री करने पर इनके विरुद्ध जिला बदर की पहली बार कार्रवाई की गई है। निजी संस्थानों से कर्मियों को मतदान के लिए अवकाश देने के दिए गए निर्देश। जिला दंडाधिकारी ने जिले में एक आर्थन अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई की। एक अपराधी को थाना हाजिरी के आदेश जारी किए। जिले में शांतिपूर्ण निर्विघ्न निष्पक्ष मतदान कराना ही पहली प्राथमिकता। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था की दृष्टि से भिंड जिले के एक आर्थन अपराधी जीतेश उर्फ करु पुत्र अजय मिश्रा निवासी गोवरखोड़ थाना पावई जिला भिंड के विरुद्ध एक माह थाना हाजिरी की कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर ऐसे एक आरोपी को भयमुक्त निष्पक्ष पारदर्शिता वातावरण में चुनाव कराने के लिए एक माह थाना हाजिरी के साथ जिले में बिना सूचना के बाहर नहीं जाएंगे। 31 अगस्त से अब तक 330 आर्थन अपराधियों के विरुद्ध की गई भिंड में कार्रवाई। जिले में शांति व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ चुनाव और आम जनता मतदाताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था की दृष्टि से भिंड जिला अंतर्गत 31 अगस्त से आज तक 330 आर्थन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिबंध पर ऐसे आरोपी जिला बदर और थाना हाजिरी के आदेश जारी कर कठोर कार्रवाई की है। जिले में निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए और जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए थाना हाजिरी जिला बदर और अन्य कार्रवाई की गई है। जिले में CPF की 26 कंपनी शांतिपूर्ण मतदान के लिए रहेंगी तैनात। 4000 से अधिक जवान सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात रहेंगे। 5 पुलिस राजपत्र अधिकारी अतिरिक्त रूप से तैनात रहेंगे। 8 विधानसभा के लिए एक अतिरिक्त IPS रहेगा। मतदान करने के बाद लोग अपने क्षेत्र में ही रहें, बिना कारण जिले में भ्रमण नहीं करें। पुलिस अधीक्षक भिंड। जिले में 1243 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि भिंड जिले की 5 विधानसभा में विधानसभा निर्वाचन 2023 को संपन्न कराने के लिए भिंड जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में 1476 मतदान केंद्र गठित किए गए हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र 9 अटेर में 288 मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र 10 टेन में 296 मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र 11 लाहार में 296 मतदान केंद्र, विधानसभा 12 महगांव में 320 मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र गोहद में 276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में से 569 मतदान केंद्र क्रिटिकल चिन्हित किए गए और 188 वनलेवरबल मतदान केंद्र हैं। पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 4000 से अधिक जवान हर वक्त मतदान केंद्र और सुरक्षा में तैनात रहेंगे। जिले में 26 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 1200 से अधिक पुलिस बल, 950 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जिले में पुलिस के 5 अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी और 8 विधानसभा के लिए एक IPS अधिकारी अतिरिक्त रूप से उपलब्ध रहेंगे। पुलिस कप्तान असित यादव ने जिले में मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के बाद सभी मतदाता अपने क्षेत्र में ही रहें और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना योगदान दें। मतदान के दौरान अपने साथ वैध दस्तावेज रखें और मतदान करें। जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। 1243 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही 178 सेक्टर ऑफिसर, 178 थाना मोबाइल दल गठित किए गए हैं, जिसमें 10 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर ऑफिसर और एक थाना मोबाइल रहेंगे, जो कि किसी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर तत्काल मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। जिले में 26 दल CAPF बल के तैनात रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि भिंड जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले में 1476 मतदान केंद्रों पर कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही 5 विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्व, क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर CAPF का बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों को CCTV कैमरे की निगरानी में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जिसमें मॉनिटरिंग बराबर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पांचों विधानसभा क्षेत्रों की सीमा सील रहेंगी, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही माइक्रो ऑब्जर्व मतदान में ही उपस्थित होकर वहां गठित होने वाले प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे और पल पल की जानकारी भी संकलित करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की 178 थाना मोबाइल टीम सेक्टर ऑफिसर की टीम लगातार मतदान केंद्रों पर भ्रमण करती रहेंगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 15 से 20 मिनट के अंदर अधिकारी जथा संपर्क मतदान दलों पर बनाए रखेंगे। उन्होंने बताया कि एजेंट मतदान केंद्र के 200 मीटर के परिधि में पर्ची बांटने का बूथ नहीं बना सकेंगे और घर घर मतदान पर्ची वितरण करते हैं तो उस पर पर्ची पर किसी प्रकार का चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ता की अधिकतम संख्या 6 निर्धारित। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त स्थान नहीं होने पर दिया आदेश।